इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए यहाँ पे जिया की तरफ से रेड वाली लेज़र बार। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 हेड वाली हमारी लेज़र बार होने वाली है। बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। आज की वीडियो में इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, इसको कैसे ऑपरेट करना है वो भी बताने वाला हूँ, साथ में इसका डेमो देखेंगे। और इसी रूम के अंदर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा, साथ में फॉग यहाँ पे चला दूंगा ताकि आपको इसका इफेक्ट अच्छे से पता लग जाए। मॉडल यहाँ पे होने वाला है हमारा इसका J344, जो कि जिया की तरफ से हमें देखने को मिलता है। और बॉक्स कुछ इस टाइप से मिल जाता है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं, फिर इसके मैं आपको फंक्शंस बताऊंगा और फिर इसका डेमो देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए DJ लाइट्स की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बॉक्स हमारा कुछ इस टाइप से मिल जाता है। फ्रंट में आपको जिया का लोगो मिलता है, बैक साइड में आपको जिया का लोगो मिलता है, साइड में आपको मॉडल नंबर वगैरह मिल जाते हैं। और अभी मैं फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप से हमें पैकेजिंग मिलने वाली है, फोमिंग वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें मिल जाती है यूज़र मैनुअल, इसको साइड रख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाती है पावर कॉर्ड, इधर आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ क्लैंप्स मिल जाते हैं, सो इसको साइड रखते हैं और अपनी लेज़र बार को बाहर निकालते हैं। सो यहाँ पे लेज़र बार हमें कुछ इस टाइप की मिलने वाली है, साथ में बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं क्लैंप्स मिलते हैं, ये आपको पावर कॉर्ड मिलती है, DMX केबल मिलती है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं हैंगिंग वायर्स, तो सेफ्टी वायर्स इधर हो जाते हैं। साथ में आपको इधर मिल जाती है यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, इनके अंदर क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे 8i वाली होने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे हमारी 8 लेजर्स मिल जाती है। बैक साइड से हमको जिस टाइप से मिलता है मेटल बॉडी के अंदर आपको मिलने वाली है। और इधर आप देख सकते हो साथ में आपको यहाँ पे जिया की ब्रांडिंग मिलती है, J344 मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इधर आपको डिस्प्ले मिल जाती है, मेन्यू अप डाउन एंटर की मिलती है। इधर आपको पावर का कॉर्ड लगाने के लिए सॉकेट मिल जाता है, DMX के इनपुट आउटपुट मिलते हैं। सो अभी मैंने आप सभी को बॉक्स के कंटेंट्स दिखा दिए, यहाँ पे मैं किस हिसाब से लेज़र बार मिलती है वो आपको दिखा दिया है। अभी इसको मैं पावर से कनेक्ट करता हूँ और आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ यूज़र मैनुअल वगैरह की हेल्प से, कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, इसको ऑपरेट कैसे करना है, और देन मैं आपको इसका डेमो दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने जो हमारी लेज़र बार है उसको पावर से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो हमें डिस्प्ले मिल जाती है, कुछ फंक्शन कीज़ मिलती हैं, और यहाँ पे DMX से भी कनेक्ट कर रखा है। अब मैं आपको इसके एक बार थोड़े फंक्शंस बता देता हूँ, देन इसको मैं आपको डेमो दिखाऊंगा फॉग करके, कि आपको जो लेज़र का इफेक्ट है, बीम का इफेक्ट है, वो कैसा मिलने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मिलती है यूज़र मैनुअल। सो यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है J344। सो इसकी हमारी लेज़र बार की यूज़र मैनुअल है। यहाँ पे कुछ आपकी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप पढ़ सकते हो, एंड मेन जो हमारे फंक्शन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि आप DMX वाले फंक्शंस देख सकते हो, 15 चैनल के DMX का इसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और यहाँ पे 15 चैनल तक के आपके फंक्शन दे रखे हैं। सो अगर इधर देखें तो इधर आप देख सकते हो पहले, दूसरे, तीसरे पे आपके मेन स्विच वगैरह होने वाले हैं, मोटर्स होने वाली हैं, और चौथे से लेके जो आपकी यहाँ पे 11 नंबर तक आपके होने वाले हैं लेज़र की बीम्स। तो 8 लेज़र बीम है, तो यहाँ पे देख सकते हो चौथे से लेके 11 तक आपकी लेज़र्स जो है वो एक्टिवेट होंगी। सो 12वें चैनल पर आपका फ्लैश होगा, स्ट्रॉब होगा, 13वें चैनल पे आपकी इफेक्ट आएगी, 14 पे उसकी इफेक्ट चेंज होगी, और 15 पे रिडक्शन होगी। तो कुछ इस टाइप के आपके यूज़र मेनू में सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो अभी मैं आपको इसके फंक्शंस दिखाता हूँ। सो यहाँ पे DMX कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे स्कैन करता हूँ मैं, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पहला फेडर है उससे आपकी मोटर कंट्रोल होती है। सो 180 डिग्री आपकी जो मूवमेंट है इसकी होती है वो। तो कुछ इस टाइप से मैं सामने वॉल पे करता हूँ इसको। और जो हमारा तीसरा चैनल होने वाला है वो आपका होने वाला है मेन स्विच। अब चौथे पे हमारी देखो लेज़र निकलने स्टार्ट होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप। तो चौथा जैसे मैंने उठाया तो यहाँ पे आपकी पहली लेज़र आ गई, 5वीं पे दूसरी आ गई, 6ठी पे तीसरी आ गई, 7वीं पे चौथी आ गई, 8वीं पे 5वीं आ गई। अगेन मैं पेज स्विच करता हूँ, सो अगेन यहाँ पे 9वें चैनल पे हमारी 6ठी आ गई, 10वें पे आ गई 7वीं, और 11वें पे आ गई 8वीं। सो वापस मैं पेज स्विच करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे को इस टाइप से लेज़र होने वाली है। सो ये देखो आप। सो अभी आपको इफेक्ट दिखे, जब मैं इसका फॉग ऑन कर दूंगा तो कुछ इस टाइप का आपका इसका इफेक्ट होने वाला है लेज़र बीम का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे फंक्शंस मिलने वाले हैं वो कौन से हैं। अगेन जो हमारे फंक्शन होने वाले हैं वो यूज़र मैनुअल के थ्रू जो हमने बताए थे 12वें पे और 13वें पे होने वाले हैं, 14वें पे उनकी स्पीड होने वाली है। तो फ्लैश में आपको करके दिखाता हूँ, इफेक्ट दिखाता हूँ और उसकी स्पीड दिखाता हूँ, और देन उसके बाद मैं फॉग चलाऊंगा तो मैं आपको ऑटो पे पूरा रन करके दिखाऊंगा, आपको जब पता लग जाएगा। सो ये मैंने 13वां जो हमारा फेडर है उसको किया है एक्टिवेट, तो आप देख सकते हो इसके अंदर इफेक्ट्स आ रहे हैं। अभी इन इफेक्ट को मैं आपको दिखाऊंगा फॉग के साथ, अब आपको इसका एक्चुअल में जो
इफेक्ट है कि किस हिसाब से हमारी LED जो बाहर से बीम्स है कि किस हिसाब से हमारी LED बीम्स वो निकल रही हैं। तो इससे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, जो हमारी बीम्स है इफेक्ट्स है ये देख सकते हो, और ये चेंज होती रहती हैं। तो इनको डाउन करता हूँ मैं। अब आप देख सकते हो जो चैनल नंबर 12 है उस पर आपके फ्लैशर है, स्ट्रॉब है, सो स्पीड देख सकते हो इसकी। तो लेज़र बार के अंदर हमारे ये दो तीन फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक हमारी स्ट्रॉबिंग हो गई, फ्लैशिंग हो गई, ये हमारे इफेक्ट्स हो गए, इफेक्ट जो आपको चेंज करने हैं किस हिसाब से जो इफेक्ट आ रहे हैं वो हो गए, और इनकी स्पीड हो गई। ये देखो स्पीड मैंने बढ़ा दी, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारा एड्रेस वाला मोड था DMX वाला। तो यहाँ से मैं मेन्यू की दबाऊंगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके इनके फंक्शंस आ जाएंगे। मैं एक बार DMX को हटा देता हूँ इसमें से। सो इसके अंदर आप देख सकते हो आपको मास्टर स्लेव के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर आपको साउंड मोड मिलता है और यहाँ पे ऑटो मोड मिलता है। तो एक बार इसको एंटर कर लेते हैं। सो एंटर करने के बाद कुछ सेकंड लेगी और आपका ऑटो मोड के अंदर एंटर हो जाएगी। सो आपको ऑटो मोड चल चुका है, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली चल रही है। एंड अगेन मैं अब इसके अंदर वापस से जाके एंटर करके इसको साउंड मोड पर लाऊंगा तो वापस से कुछ सेकंड लेने के बाद साउंड मोड में एक्टिवेट हो जाएगी। कुछ 5-7 सेकंड लेती है और अभी आपके साउंड मोड में आ चुकी है। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से काम कर रही है। सो गाइस ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं हमारी जो ये लेज़र बीम है इसके अंदर। आपको DMX मोड मिलता है, आपको ऑटो मोड मिल जाता है, साथ में आप सभी को इसके अंदर साउंड मोड मिलता है। सो अभी दोस्तों चलते हैं, एक बार मैं थोड़ा रूम के अंदर फॉग कर देता हूँ और आपको इसका प्रॉपर डेमो दिखा दूँ किस हिसाब से जो हमारे इसके इफेक्ट है वो आपको मिलने वाले हैं। सो अभी आपने देखा यहाँ पर जो हमारी ये लेज़र बार है इसका प्रॉपर डेमो मैंने आपको दिखाया, फॉग मशीन का इसका इफेक्ट आपको कैसे मिलता है, इसके अंदर आपको क्या क्या फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली हमारी लेज़र बार। कुछ इस टाइप से 180 डिग्री है मूवमेंट होती है और इधर आपकी 8 बीम्स निकलती हैं जो कि हमारी रेड कलर की होती है। अगर बात करें एक बीम की वोल्टेज का तो यहाँ पे जो एक बीम की जो लेज़र है हमारी वो 0.6 वॉट की होने वाली है, मतलब 600 मिली वॉट की होने वाली है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस लेज़र बार के साथ देखने को मिलती है। आप इस लेज़र बार को अपने क्लब्स के अंदर, बार्स के अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इफेक्ट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। रेट भी दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं या फिर इसका प्राइस पता करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, वहाँ पर जाके आप इनको रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पर आप इंक्वायरी वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप से आपको पूरी लेज़र बार मिलती है। मैंने आपको इसके फंक्शंस वगैरह भी दिखा दिए, इसका डेमो भी दिखा दिया, अनबॉक्सिंग भी दिखा दिया, आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है वो भी हमें जिया की तरफ से। इसी के अंदर दोस्तों और भी काफ़ी सारे लेज़र बार्स आती है, एक एक करके मैं आपको सारी दिखाने वाला हूँ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मैं इसी टाइप की वीडियोज़ आप सभी के लिए और भी लेके आता रहूँगा। जिया की मैंने काफ़ी सारी पहले वीडियोज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहाँ पे जाके आप दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली वीडियो में।